कल हुई बारिश की मार से अभी किसान उभरे भी न थे कि आज की बारिश ने किसानों की परेशानी को और बढ़ा दिया। मेरे सामने ये गेहूं का खेत आप देख रहे हैं, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गेहूं पूरी तरह से चादर की तरह खेत में बिछ गया है। बड़ा नुकसान इस खेत में बताया जा रहा है। ऐसे एक खेत नहीं है, सैकड़ों खेत हैं, सैकड़ों बीघा ज़मीन है जिसमें गेहूं की फसल बोई गई थी और अब उस फसल को बिछोने की तरह वो बिछ गई है। मौसम की मार ने किसानों को इस कदर परेशान कर दिया है कि किसान ना इधर के रहे हैं ना उधर के। दरअसल अब जो गेहूं की जो फसल है वो फसल मिल्किंग स्टेज में है। मिल्किंग स्टेज का वो मतलब यह होता है कि बालियों में दूध पड़ गया है और दूध पड़ने के बाद में अगर ये फसल गिर जाती है तो वो दाना, उसका जो ग्रेन है वो पटक जाता है, मतलब वेट नहीं रहता है किसी काम का, वो गेहूं नहीं रह जाता है। एक तो वेट कम होता है, दूसरा जो भूसे की गुणवत्ता है उस भूसे की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है, गेहूं के दाने की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किसान किस तरह से लूट पिट गया है। हालांकि सरकार ने ये घोषणा की है कि जहां जहां फसलों में नुकसान है, पशुओं में क्षति है, उसका आकलन किया जाए और उसकी भरपाई किया जाए। लेकिन सभी को पता है कि सरकार किस स्तर की जांच करवाती है और उसके हाकिम और हुक्मरान किस स्तर की जांच करते हैं और किस भरपाई किस तरह की होती है। कुल मिला के किसान आज पूरी तरह से परेशान है। लगातार बारिश हो रही है, परसों भी बारिश हुई थी, कल भी बारिश हुई और आज भी बारिश हुई है। लगातार बारिश होने से किसानों की जो फसलें हैं, गेहूं की जो फसल है, सरसों की फसल है, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान देखा गया है। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24।